हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट डैम्स डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू। तो सबसे पहला डैम है सलाल डैम। सलाल डैम चेनाब रिवर पर है और ये जम्मू कश्मीर में है। ये एक तरीके का ग्रेविटी डैम है। ये फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जो कि इंडिया ने बनाया था जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी क्या हर ऑलमोस्ट हर डैम की मेन प्रॉब्लम सिल्टिंग है। सिल्टिंग क्या होता है, जब बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। और ये दोनों कंट्रीज़ के लिए यूज़फुल है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि ये चेनाब रिवर जो है वो इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये पाकिस्तान में भी फ्लो करती है। इस वजह से ट्रीटी के अकॉर्डिंग इसका वाटर दोनों यूज़ करते हैं, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। और ये NHPC के अंडर आता है। आप देख रहे हैं ये कितनी हाइट से, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर में है तो इसमें ये माउंटेन्स पर है, तो देखिए वाटर कितनी हाइट से गिरता है। और ये व्यू है जब यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही हो, तो सिल्टेशन की वजह से और ज़्यादा पानी की वजह से प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है और पानी धुंधला हो जाता है। तो जो इतना शांत लगने वाला डैम है वो ऐसा भयानक रूप ले लेता है बारिश के टाइम। सेकेंड इज भाखड़ा नांगल डैम। ये सतलुज रिवर पर है और भाखड़ा, ये असल में दो अलग अलग डैम्स हैं लेकिन इन्हें इकट्ठे बोला जाता है क्योंकि इनकी फंक्शनिंग इकट्ठे होती है। तो ये भाखड़ा जो है वो बिलासपुर में है, बिलासपुर यानी हिमाचल प्रदेश में, और नांगल पंजाब में है। और ये एक रिजर्वायर बनाता है जिसका नाम है गोबिंद सागर। और ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट डैम है, हाईएस्ट नहीं बोल रहे हम, लार्जेस्ट डैम है। और तेहरी डैम से सेकेंड नेक्स्ट हाईएस्ट डैम है, यानी कि हाईएस्ट डैम तेहरी डैम है। तो भाखड़ा नांगल के बारे में अगर और बात करें तो ये दोनों डैम, भाखड़ा और नांगल, एक दूसरे से 13 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर हैं। और जब इसे बनाया गया था तो तकरीबन 341 गांव को विस्थापित किया गया था, मीन्स डिस्प्लेस किया गया था। और इसकी जो बिजली बनती है उससे फ़ायदा मिलता है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को। अगर ये टूट जाए, इतना बड़ा बांध, इतना बड़ा डैम अगर टूट जाए, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये तीनों स्टेट्स को डुबा सकता है और उसके आसपास हिमाचल प्रदेश को भी डुबा सकता है। लेकिन इसका टूटना नामुमकिन है क्योंकि इसे बनाने में इतना ज़्यादा कंक्रीट यूज़ हुआ है कि उतने कंक्रीट से पूरी दुनिया की सड़कें दोबारा बन सकती हैं। नेक्स्ट इज तेहरी डैम। देखिए, जिसे अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि मैप में हम कहाँ लोकेट कर रहे हैं किस पर्टिकुलर डैम को, तो वो रेड डॉट जो है, वो रेड डॉट ये शो कर रहा है कि डैम की लोकेशन ये। सो दिस इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, सबसे ऊंचा डैम तेहरी डैम है और ये भागीरथी रिवर पर है। भागीरथी रिवर गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है और ये उत्तराखंड में है। इसे स्वामी राम तीर्थ डैम भी कहते हैं और ये वर्ल्ड का 8th हाईएस्ट डैम है, इंडिया का 1st हाईएस्ट, और वर्ल्ड में अगर इसकी रैंक देखें तो 8th है। चाहे कोई भी डैम हो, उनकी सीनिक ब्यूटी सच में देखने लायक है। जस्ट हैव अ लुक, ये कितना ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये देखिए, जो ये नेचुरल दीवार सी है, ये एक्चुअल में डैम है, वो रिवर थी। तो इसके आसपास, एक तो ये पहाड़ों में है तो आसपास का माउंटेनियस व्यू भी बहुत अच्छा व्यू दे रहा है। 4th वन इज राणा प्रताप सागर। नाम से ही पता चल रहा है राणा प्रताप, दैट मीन्स ये राजस्थान में है, राजस्थान की राव भट्ट डिस्ट्रिक्ट में। ये भी ग्रेविटी डैम है। ये कौन सी रिवर पर है? चंबल रिवर पर, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और ये इट यूज वाटर फ्रॉम गांधी सागर रिजर्वॉयर। इसे किस किस को बेनिफिट मिलता है? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड ऑफ कोर्स राजस्थान। और इस डैम की क्या खासियत है कि यह डैम सर्वाधिक क्षमता का बांध है, मींस इसकी कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम है। कैपेसिटी किस चीज़ की? टू स्टोर वाटर। राणा प्रताप सागर डैम के यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है जो बहुत फेमस है, चुलिया नामक। वहाँ पर मगरमच्छ बहुत पाए जाते हैं, वो मगरमच्छ के लिए काफ़ी फेमस है। दिखने में तो सुंदर है, ये देखिए। नाउ 5th वन, 5th इज सरदार सरोवर डैम।
नाम से ही पता चल रहा है फिर से, सरदार पटेल जी कौन सी प्लेस से बिलोंग करते थे? गुजरात से। तो जाहिर सी बात है ये डैम भी कहाँ है? गुजरात में। एंड इट इज़ बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर ज़रेवा नाम से भी जाना जाता है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम है वर्ल्ड का। लार्जेस्ट, आई एम नॉट सेइंग हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट, इट इज़ लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट डैम। वहीं आपको डैम के आसपास सरदार पटेल जी की मूर्ति भी दिखाई देगी। इसके आसपास का एरिया भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए इसकी सीनिक ब्यूटी, यानी चाहे कोई भी डैम हो के आसपास का एरिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। यानी कि वो ऐसी प्लेसेस हैं जहां विजिट किया जा सकता है। नाउ सिक्स्थ वन इज हीराकुंड डैम। ये महानदी रिवर पर है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है और ये कहाँ है? ओडिशा में। डैम के बिल्कुल पीछे एक लेक बना हुआ है जिसका नाम हीराकुंड रिजर्वॉयर है। और ये लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है वर्ल्ड का। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, दैट मींस ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम भी आता है, इरिगेशन के काम भी आता है और इंडस्ट्रीज को वाटर भी सप्लाई करता है। दैट मींस इसके कई काम है, मल्टीपर्पज। सो दिस इज द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भी मॉनसून में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके आसपास रहना बहुत खतरनाक होता है। यानी अगर इस पे इस जगह घूमने जाना है तो आप सितंबर या मार्च के बीच जा सकते हैं। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये भी। और ऐसा भी माना गया है कि हीराकुंड डैम के आसपास जितना भी पानी है उसमें बहुत सारे टेम्पल्स सबमर्ज हो गए हैं और वो समर्स में क्लियरली विजिबल होते हैं। ये कुछ टेम्पल्स हैं जो विजिबल हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी फाइंड आउट नहीं किए गए हैं। सेवेंथ इज तुंगभद्रा। तुंगभद्रा को पेम्पा सागर भी बोलते हैं और ये तुंगभद्रा रिवर पर है जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये कौन सी स्टेट में है? कर्नाटका में। और एक्चुअल में तुंगभद्रा दो रिवर का कॉन्फ्लुएंस है, कॉम्बिनेशन है, तुंग और भद्रा। ये इसका व्यू है। अभी सिर्फ दो गेट खुले हुए हैं, धीरे धीरे सारे गेट्स जब ओपन होंगे तो ये बहुत सुंदर दिखाई देगा। और ये जो आसपास का एरिया आपको खाली दिखाई दे रहा है ये सारा पानी से भर जाएगा और बहुत सुंदर दिखेगा। फिर यहाँ पर बहती हुई नदी दिखाई देगी। जस्ट हैव अ लुक, हाउ नाइस इट इज। ओके, दिस वाज तुंगभद्रा। नाउ एट्थ वन इज नागार्जुन सागर। अब ये कुछ ऐसे नाम है साउथ के एक्टर नागार्जुन, तो याद रखना ये साउथ में है कहीं। तो ये भी कृष्णा रिवर पर है। पहले ऐसा कहते थे कि आंध्र प्रदेश में है लेकिन अब क्योंकि स्टेट्स डिवाइड हो गई हैं तो ये अब तेलंगाना के अंडर आता है। तो ये तेलंगाना का हिस्सा है। इट इज क्वाइट सिमिलर टू तुंगभद्रा आई सपोज। सी, जस्ट हैव अ लुक। दोनों ही साउथ में है, आसपास एक ही रिवर पर है, एक ट्रिब्यूटरी पे है और एक मेन रिवर पर है। सो दिस इज नागार्जुना डैम। तो अब हमने आठों डैम्स डिस्कस कर लिए हैं, अब उनको एक साथ रखा है रिवर्स के साथ। जैसे फर्स्ट इज सलाल। सलाल कहाँ था? जम्मू एंड कश्मीर में। सेकेंड इज भाकड़ा एंड नांगल डैम। वो कहाँ थे? वो दो डैम्स थे जिनको दो डॉट से इकट्ठे दिखाया हुआ है, एक हिमाचल प्रदेश में और एक पंजाब में। थर्ड इज तेहरी डैम। तेहरी डैम कहाँ था? उत्तराखंड में। देन इज राणा प्रताप सागर। वो कहाँ था? राजस्थान में। देन इज सरदार सरोवर जो कि गुजरात में। फिर हीराकुंड है, वो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड, दैट इज इन ओडिशा। देन इज नागार्जुना सागर, दैट इज इन तेलंगाना और कृष्णा रिवर पर है। फिर उसके बिल्कुल साइड में उसकी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, वहाँ पर कौन सा डैम है? तुंगभद्रा डैम। अब इसी मैप को मैं रिवर्स के नेम्स के साथ शो करूँगी। सो सलाल डैम कौन सी रिवर पर है? चेनाब। देन इज भाकड़ा एंड नांगल डैम, दैट इज ऑन सतलुज रिवर। तेहरी ऑन भागीरथी, राणा प्रताप सागर ऑन चंबल, सरदार सरोवर ऑन नर्मदा, हीराकुंड इज ऑन महानदी, नागार्जुन सागर इज ऑन कृष्णा एंड तुंगभद्रा इज ऑन तुंगभद्रा रिवर। स्काई ब्लू से रिवर शो की हुई है और जिन जिन रिवर्स का हमने डिस्कशन किया है, जिक्र किया है, वो हमने थोड़ी डार्क कर दी है ताकि आप क्लियरली देख सकें कि ये कौन सी रिवर या ट्रिब्यूटरी है जिस पर ये डैम है। नाउ दिस इज द ब्लैंक मैप फॉर योर प्रैक्टिस। आप इसमें नेम कीजिए, रिवर का भी नाम दीजिए और डैम का भी नाम दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।